हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जुमा का दिन है और आप तमाम लोगों को, तुम्हारे तमाम भाइयों को जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं कि आज के दिन कहाँ कहाँ पर हमारे देश के प्रमुख शहरों के अंदर रैलियाँ हो रही है, ताकि मैं आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। तो आइए बात करते हैं, सारी ट्विटर का ही इन्फॉर्मेशन मैं आप तक कलेक्ट करके मैं आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, अख्तरुल ईमान साहब ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने ट्वीट किया कि CAA और NRC के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और ये प्रोटेस्ट होगा, मैं आपको बता दूँ ये कहाँ पर है। ये है आपका गया के अंदर। जी हाँ, गया के अंदर है और ये शांति बाग मैदान है, कटरी हिल रोड है, गया के अंदर ही है। और अनिश्चितकालीन धरना है, कुछ नहीं जब तक कुछ प्रशासन की तरफ से शायद तो कुछ मिल ना जाए, कुछ खबर वगैरह, तब तक ये धरना करते रहेंगे। तो ये अच्छा है, कब है? 2 बजे है, आज ही है, यानी कि जुमे की नमाज़ के बाद होगी और प्रदेश अध्यक्ष MIM इसकी अध्यक्षता करेंगे, अख्तरुल ईमान साहब। आइए बढ़ते हैं हम लोग दूसरी ओर चलते हैं। एक धरना है यहाँ पर जो कि ये है आपका ऑन द इंस्टीट्यूशन, अच्छा ये है आपका जामिया के अंदर। जी हाँ, ये जामिया के अंदर है और जामिया और शाहीन बाग दोनों के अंदर है। और ये जो स्पोक पर्सन है एक, जिनका नाम है आप मैं बता दूँ, आसिम वकार। आसिम वकार जो AIM का नेशनल स्पोक पर्सन है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर आकर इस धरना को, इस प्रोटेस्ट को ज़्यादा सक्सेस बनाने की कोशिश में होंगे। आइए चलते हैं आगे। और जो सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर है वो ये है कि एक तिरंगा रैली होने जा रही है और इसका ट्विटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ है इस तिरंगा रैली के ऊपर में। आइए पढ़ते हैं कि वो कहाँ पर रहा है। तो ये हैदराबाद के अंदर हो रहा है तिरंगा रैली और यही NRC के और NPA और SCA के अगेंस्ट हो रही है। 10 जनवरी को ही हो रही है, यानी कि आज ही के दिन ये होगी। कहाँ पर? मीर आलम ईदगाह से, मीर आलम ईदगाह से, और ये शुरू होगी रैली। तो ज़्यादा से अपील किया है यहाँ पर AIM फैन क्लब से ने, और वैसी साहब ने भी अपील किया है ट्विटर पर ही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे वहाँ पर और तिरंगा होगा इस रैली के अंदर। सिर्फ तिरंगा ही नज़र आएगी और इतने लोग पहुँचेंगे जहाँ पर सिर्फ तिरंगा ही नज़र आएगी, तो ज़रूर अगर गवर्नमेंट या वो लोग जो जिनको दिखाई नहीं देती है तो शायद तिरंगा आप दिखाई दे दें उन्हें। इसके अलावा एक अहम खबर ये है कि किसी को भी इस रैली के अंदर, ये तिरंगा रैली के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों में लोग पहुंचेंगे, तो किसी को भी अगर प्रॉब्लम्स हो जाए किसी भी तरह का, चाहे वो गवर्नमेंट इश्यूज हो या जैसे भी और भी यूपी वगैरह में हुआ था धरना के बीच में, इसी तरह का कुछ भी हो जाए, तो 2 नंबर दिया हुआ है और ये दोनों नंबर है बेसिकली एडवोकेट्स का है, वकील का है, और उनका ही नंबर है यहाँ पर 5942-51489। ये अब्दुल वसी साहब है, दूसरा है ये मोहम्मद अजीज़ुर रहमान। जी हाँ, 8977871100। इन 2 नंबर पर आप कॉल करके उनसे सहायता ले सकते हैं अगर किसी भी तरह का कुछ एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो गया हो तो। उम्मीद है कि नहीं होंगी। और यहाँ पर भी यही सेम चीज़ है, यहाँ पर AIM के ऑफिशियल इन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करके बताया कि तिरंगा रैली हो रही है हैदराबाद के अंदर, आप लोग भी यहाँ पर आए हैं। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था और इस तरह के आज छोटे छोटे शहरों में भी रैलियाँ देखने को मिल सकती है जुमा के बाद। तो आज जुमे का दिन है और जुमे का दिन तो काफ़ी फजीलत है इसका शरीयत के अंदर। तो दुआ में भी इंशाल्लाह इस चीज़ को याद रखेंगे कि इसके ऊपर कार्रवाई हो, इसे पास ना हो, क्योंकि इस महीने में ही इसकी सुनवाई है, जनवरी के अंदर ही। तो इसीलिए जनवरी के अंदर जी जान लगा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट की निगाह उसके ऊपर पड़ जाए और वो अपना जो फैसला है उस फैसले से वो उसके ऊपर फैसला सुना दे मुस्लिमों के और हिंदुस्तानियों के हक में। शुक्रिया।